नमस्कार, आप देख रहे हैं अम न्यूज रफ्तार और मैं हूं मोना। सीएम नीतीश कुमार ने साबित किया बहुमत, राजद को लगा झटका। बिहार की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। विधानसभा में नीतीश कुमार ने विश्वास मत हासिल कर लिया है। वहीं नीतीश कुमार के समर्थन में 129 वोट पड़े हैं। यहां बता दें कि डिप्टी स्पीकर को जोड़कर 130 वोटों में विश्वास मत के पक्ष में पड़े हैं। इसी बाबत आज भागलपुर के भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, आप पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी के खुशी का इजहार किया और एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर मिठाइयां बांटी। वहीं खुशी में फटाके भी छोड़े गए। कहा कि अब बिहार विकसित बिहार बनने जा रहा है। इसी खुशी के मौके पर सभी एनडीए पार्टी के दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे। जो जनमत के अनुसार आज बहुमत जो मिला है और फिर से डबल इंजन की सरकार जो बनी है, इस सरकार द्वारा अब जो जनहित में जो काम विकास के जो रुका हुआ था, अब डबल इंजन की सरकार पूरा विकास करेगी और फिर से हम मोदी जी को तीसरी बार 400 पार करके बहुमत देंगे। बिहार के लोग निश्चित तौर पर यह साबित हो गया। मंत्री हमारे नीतीश कुमार जी बिहार के 9वीं बार मंत्री बने, आज उन्होंने बहुमत साबित किया और लगातार जो पिछले दिनों चर्चा हो रही थी, तरह तरह के लोग चर्चा कर रहे थे, लेकिन आज बहुमत साबित करके यह स्पष्ट हो गया कि बिहार में माननीय नीतीश कुमार जी के ही नेतृत्व में यह बिहार चल रहा है और आगे भी चलेगा। इसी को लेकर हम लोग भागलपुर में एनडीए कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित जिला अध्यक्ष संतोष शाह जी, जनता यूनाइटेड के जिला अध्यक्ष विपिन बिहारी सिंह साहब, हम पार्टी के लोजपा के उपेंद्र कुशवाहा जी के पार्टी के सभी दल के एनडीए गठबंधन के सभी साथी हम लोग यहाँ उपस्थित होकर उत्साह मना रहे हैं, अबीर गुलाल लगा रहे हैं हमारे पार्टी के।